गांधी खानदान का देश में अपना ही रसूख है। देश के सियासी इतिहास में इस खानदान का अहम स्थान है और इतिहास भी बहुत लंबा है। यूं तो जब भी खानदान का नाम लिया जाता है, जहन में सबसे पहले इंदिरा गांधी का ख्याल आता है और उसके बाद सोनिया गांधी का जिक्र किया जाता है। लेकिन इस खानदान में एक ऐसी भी शख्स है जो कि इस परिवार का अहम हिस्सा है, मगर खुद को परिवार की कार्यशैली से थोड़ा अलग रखती है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरह इनका नाम सियासत में जाना पहचाना है, मगर ये शख्सियत अपनी एक अलग ही सियासत के लिए जानी जाती हैं। ये हस्ती हैं गांधी खानदान की छोटी बहू मेनका गांधी, जिन्होंने खुद को अलग करके अपनी एक अलग ही छवि सियासत में बनाई है। आपको बता दें, मेनका गांधी कांग्रेस की धुर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और पार्टी की तरफ से महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बतौर सियासी नेत्री उनके फैसले हमेशा ही सराहे जाते हैं। खैर, मेनका गांधी को जितनी सियासी महारत हासिल है, उतना ही वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर भी जानी जाती हैं। आज हम आपको मेनका गांधी की लव स्टोरी से जुड़ा एक सच बताने जा रहे हैं, जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मेनका मॉडलिंग कर चुकी हैं और इसी दौरान संजय गांधी ने उन्हें देखा था। बता दें आपको, केवल 17 साल की उम्र में मेनका को पहला मॉडलिंग ब्रेक मिला था। एक एड की शूटिंग के दौरान मेनका को देखते ही संजय गांधी उन्हें दिल दे बैठे थे। दोनों की पहली मुलाकात मेनका की कजिन वीनू कपूर की शादी की पार्टी में साल 1973 में हुई थी। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और फिर एक साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल 1974 में शादी कर ली। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।